वकील है, मैं एक वकील नहीं हूँ, आप माहिर कानून है। आप राना सनाउल्लाह साहब की बात से ज्यादा वजीर कानून की बात, वो भी कहता है मैं वकील हूँ, वो वजीर कानून है, वो भी कहता है ऑफिशियल ऑफिशियल स्टेटमेंट उसका है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर। जहां तक आपने बात की आइडियोलॉजी की, एक ही पार्टी के दो बंदे हैं, एक कुछ और बात कर रहा है, दूसरा किसकी बात कर रहा है। मैं वजीर कानून की मानता हूं, ये फैसला आपने करना है। अगला प्रोग्राम हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर कानून करता है, जुडिशियल कमीशन में वजीर कानून करता है या राना सनाउल्लाह करता है। नवाज शरीफ ने की रिव्यू, वजीर कानून करता है तो मैं वजीर कानून की बात मानता हूँ, मैं वजीर कानून की बात मानता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये आइडियोलॉजी की बात है। और अगर कल को होगी पिटीशन तो नहीं, आप तो चले वजीरे का कल होगी तो, कल तो हो गई, कल अगर पिटीशन हो गई, हाँ बिल्कुल, जब हो गई फिर मुझे बुलाओ, फिर मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। अभी तो नहीं हुई है ना, अभी तो नहीं हुई है, नहीं फिर आप क्या पूछेंगे, जब फिर तो जो करेगी सुप्रीम कोर्ट करेगी, जब होगी फिर यू टर्न मारेंगे, नहीं जब होगी फिर मुझसे सवाल करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल सवाल धरने से मुतल्लिक था जिसका आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। देखिए, हम ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में, इसके हम खिलाफ है। वो एस्टेब्लिशमेंट फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो एस्टेब्लिशमेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके हम खिलाफ है। मेरे मुताबिक अब क्या हो रहा है, मेरे लिए नहीं, 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 अब क्या हो रहा है? देखिए मेरे भाई, हुकूमत आप कर रहे हैं, नहीं ये जो प्रोटेक्टर्स एंड प्रोसीजर बिल है, जब जैसे ये पार्लियामेंट से पास हुआ, सदर ने दस्तखत ही नहीं किया था। काजी फयाज ईसा ने कहा कि सोमोटो केसेस का हवाले से मैं किसी किस्म की, हालांकि उसके पास अलहदा केस था, मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, वो बेंच ही तोड़ दिया उन्होंने। अब काजी फैज शाह की एक राय ये है कि वो पार्लियामेंट को एहतराम देता है, अभी तक कानून बना ही नहीं है, यहां कानून बना ही नहीं है, उसको सस्पेंड किया गया, कानून बना ही नहीं है, कैसे सस्पेंड किया आपने? क्या यह कोई आईनी काम है, ये आईनी इकदाम है? अफसा बिल का हुआ था जो जोश खिताबत है हाफिज साहब कि कानून अभी बना ही नहीं, पहले बना, आज तो बनाया ना, पहले स्टे हो गया है, कानून अभी बना ही नहीं। इनके अपने हफ्जा बिल का क्या हाल हुआ था? क्या वो उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और 16 जज जिन्होंने मुअत्तल किया था बनने से पहले, वो ठीक था? किसने कहा कि ठीक था? मैं तो मेरे कानून नहीं हूँ, लेकिन उसमें एक और नुकता है, वो मुझे पता नहीं है वो कौन सा नुकता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं उसको भी ठीक नहीं कहूंगा। अच्छा, ना कहे उस वक्त भी ठीक नहीं कहा। अच्छा, नहीं, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। वो जुडिशरी हो या फौजी हो, आज क्या हो रहा है? वो जुडिशरी हो या फौजी हो, आज क्या हो रहा है? हाँ, दोनों में ने आज क्या हो रहा है? जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट हो या फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों के खिलाफ, क्यों? बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, देखिए पार्लियामेंट ने कानून पास की, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है? आईन किसने नहीं, सुप्रीम सुप्रीम नहीं है, आईन पार्लियामेंट के वजूद के बाद आईन बना है मेरे भाई, पार्लियामेंट के बाद आईन बना है, अल्लाह की क्रिएटर का आईन उस वक्त बना जब पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट का आईन नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट बना फिर आईन बना, तो पार्लियामेंट के लिए खालिक आईन है और तमाम इदारों के लिए खालिक पार्लियामेंट है। अपनी तखलीक अपने खालिक के मजाजी के खिलाफ बगावत कर रहा है, बच्चे बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आपका जो पॉइंट है ना वो दुरुस्त है इस हद तक के पार्लियामेंट इस हिसाब से मतलब के सुप्रीम है कि आईन का खालिक है, चाहे तो आईन को बदल सकती है, लेकिन दो तिहाई अक्सरियत किसने बनाया है? दो तिहाई अक्सरियत मैंने बताया, जो आपकी इस वक्त पार्लियामेंट मुझे बताया आईन किसने बनाया, इसके सामने आईन ज्यादा सुप्रीम है, आप आईन का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दो तिहाई अक्सरियत नहीं है। बताइए कि पार्लियामेंट, आपके पास दो तिहाई अक्सरियत, पार्लियामेंट आईन का खालिक है या नहीं, मुझे बताइए। ये तो नहीं है जो अभी बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं है? वो तो 71 का पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट तो है ना, लेकिन उसी आईन की बात, उसने कितनी मेजोरिटी से किया था ये भी तो बताएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पार्लियामेंट नहीं।